जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्पर्श ने भेजा पेंशन का मैसेज, महंगाई राहत यानी कि डियरनेस रिलीफ नदारद। जी हाँ दोस्तों, मुझे कई पेंशनर्स ने जो हैं इस प्रकार के स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं व्हाट्सएप पर कि उनको स्पर्श पीसीडीए से पेंशन का, अक्टूबर की पेंशन का मैसेज आ चुका है और इस मैसेज में उनको बताया गया है कि आपकी इतनी पेंशन जो है अक्टूबर महीने के लिए क्रेडिट हो जाएगी और वो क्रेडिट होगी दोस्तों। इसकी डेट भी जो है कंफर्म कर दी है स्पर्श पीसीडी ने, 31 अक्टूबर 2023। तो ये चीज तो दोस्तों कंफर्म हो चुकी है कि महीने के अंतिम तारीख यानी कि 31 अक्टूबर 2023 को स्पर्श से पेंशनर की पेंशन क्रेडिट कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों जो ये मैसेज आया है कि आपकी इतनी पेंशन क्रेडिट होगी, तो इसमें दोस्तों जो डियरनेस रिलीफ 4% बड़ा है 1 जुलाई 2023 से, वह इंक्लूड नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार के मुझे कमेंट्स भी आए थे कि शायद इस महीने डीआर क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि स्पर्श ने विदाउट 4% डीआर के ही बैंक क्रेडिट का मैसेज दे दिया है। और अगला कमेंट भी इसी प्रकार का, ब्रो स्पर्श से मैसेज आ गया है मंथली पेंशन का 31 अक्टूबर को क्रेडिट होगी विदाउट डीआर, यानी कि जो है इनको जो मैसेजेज आ चुके हैं तो उसमें अभी डीआर का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। जो कैलकुलेशन की गई है वह पुरानी पेंशन के हिसाब से ही जो है वहां पर उनको बताया गया है कि आपकी इतनी क्रेडिट होगी। अब देखिए दोस्तों, आखिर यह है क्या, क्या इस महीने जो है पेंशनर का डीआर क्रेडिट नहीं होगा? इसमें दोस्तों कई चीजें हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो अक्टूबर के महीने जो जुलाई से जो है बढ़ना होता है, आप पिछली जो रिकॉर्ड निकाल करके देखेंगे अपना, तो अक्टूबर के महीने जो महंगाई दर होती है वह पेंशनर के खाते में बढ़ करके आ जाती है। लेकिन इस महीने स्पर्श से पहले ही मैसेज आ चुका है कि जो है उनका 4% डीए और डीआर उसमें इंक्लूड नहीं है। अब देखिए इसका कारण क्या है और क्या इस महीने डीआर बढ़ करके आएगा, इसमें मैं दोस्तों थोड़ा सा एक विश्लेषण करूंगा और अपनी राय रखूंगा, उसके बाद जो है आपसे भी आपकी राय पूछूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो दोस्तों, कैबिनेट से जो है इसका अप्रूवल जो मिला है आपकी बार डीए डीआर का, आपको पता ही है कि वैसे सितंबर के महीने मिल जाता है लेकिन अब की बार थोड़ा डिले हुआ है, अक्टूबर में जाकर के जो है कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिली है। अब देखिए, जो डीए का लेटर है केंद्रीय कर्मचारियों का, उसे तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसका लेटर भी जारी कर दिया है, यानी कि उनकी सैलरी में जो है डीए बढ़ करके आएगा। लेकिन दोस्तों अब देखिए इसमें क्या है, जो सैलरीड पर्सन होती है उसका तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसके लिए लेटर जारी करती है, और जो डिफेंस का होता है दोस्तों उसका जो अलग से डिफेंस की तरफ से जो है उसे जारी किया जाता है। लेकिन जो पेंशनर होते हैं दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर होते हैं, उनका जो है जो डीआर है, महंगाई राहत है, उसका लेटर जारी कौन करता है? डीओपीपीडब्ल्यू इसका ऑफिस मेमोरेंडम जारी करता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनल वेलफेयर इसका ऑफिस मेमोरेंडम जारी करता है, और उसके बाद जो है उसको इलेक्ट्रॉनिकली जो है उन पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को भेज दिया जाता है, और पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी जो है आपकी पेंशन में जो है वह डीआर इंक्लूड करके दे देती है। और अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीपीडब्ल्यू का दोस्तों यहां पर अगर आप रिकॉर्ड देखें, पिछले साल यानी कि 2022 में 8 अक्टूबर 2022 को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर हैं और फैमिली पेंशनर हैं, उनका जो डीआर बनना था 1 जुलाई 2022 से, तो 8 अक्टूबर को जो है यह जारी कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों आज हो चुके हैं दोस्तों 23 अक्टूबर, और अभी तक जो है जो डीओपीपीडब्ल्यू ने इसका कोई भी ऑफिस मेमोरेंडम जारी नहीं किया है। और जब तक डीओपीपीडब्ल्यू ने इसका ऑफिस मेमोरेंडम जारी नहीं किया है, भले ही इसको कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है, तब तक जो है पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी आपकी पेंशन में डीआर को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस महीने की पेंशन में डीआर आएगा या नहीं आएगा। अब देखिए, जो स्पर्श है महीने के अंतिम तारीख को जो है आपकी पेंशन क्रेडिट करती है, और आज है दोस्तों 23 तारीख, और उन्होंने जो है पहले ही एक मैसेज भेज दिया है कि आपकी पेंशन कैलकुलेट कर दी गई है और इतनी पेंशन आपकी बन रही है और 31 अक्टूबर को क्रेडिट कर दी जाएगी। तो दोस्तों आपको पता ही है कि स्पर्श में जो है
पांच सात दिन पहले पूरा कैलकुलेशन करके जो है आपको एक मैसेज मिल जाता है कि आपकी इतनी पेंशन बन रही है। लेकिन दोस्तों जहां तक मैं समझता हूं, देखिए आजकल है डिजिटल युग, इलेक्ट्रॉनिक युग है, हो सकता है दोस्तों आज कल या परसों दो तीन दिन के अंदर जो है अगर डीआर का जो ऑफिस मेमोरेंडम है डीओपीपीडब्ल्यू के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है पहुंच जाएगा पीडीए को। तो हो सकता है दोस्तों जहां तक मैं समझता हूं, बाकी आप अपनी राय भी रख सकते हैं, जहां तक मैं समझता हूं अगर दो तीन दिन के अंदर डीओपीपीडब्ल्यू ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया और पीडीए को यह भेज दिया गया तो इस महीने की पेंशन भले ही आपको जो है मैसेज वो आया हो लेकिन जो आपकी पेंशन आएगी वो 4% बढ़ करके आएगी, क्योंकि अभी भी दोस्तों 8 दिन पड़े हुए हैं। तो उस ऑफिस मेमोरेंडम को पैदल नहीं जाना है कहीं कि इतने दिन लग जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉनिकली तुरंत जो है पीडीए को भेज दिया जाता है। और वहां पर क्या करना है दोस्तों, उन्होंने केवल आपकी अलग अलग तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, सिस्टम में जो है उन्होंने जो है 4% अपलोड करना है, आपकी सबकी जो है जो पेंशनर है उनकी ऑटोमेटिकली जो है कैलकुलेट हो जाएगी। तो जहां तक मैं समझता हूं दोस्तों आपका डीआर आना चाहिए, बाकी आप भी जो है अपना राय रख सकते हैं कि इस बार आएगा या नहीं आएगा। और मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें देरी के अब की बार क्या कारण हुए हैं, और पिछले रिकॉर्ड को देखते हो तो दोस्तों मैं तो यही समझता हूं कि आपका डीआर बढ़ करके आएगा। बाकी तो दोस्तों कंफर्म जो है समय ही बताएगा कि आपका डीआर जो महंगाई राहत है इस महीने की पेंशन में बढ़ करके आएगा या नहीं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, आप भी कुछ अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।